तो बेटा अभी हमने बताया आप लोगों से बात भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चैप्टर को हम पढ़ेंगे कौन सी क्लास के अंतर्गत में, नाइन्थ, एलेवेंथ और ट्वेल्थ में, ठीक है। तो बेटा ये तीनों में, ये आपका सिलेबस में है, तीनों क्लास में है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संरचना, हिंदी में संविधान, अर्थात किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। विधान का मतलब होता है कानून, जहाँ पर कानून दिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किसके तहत हुआ था बेटा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था बेटा। किसके तहत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था आपका कहा याद। और रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में कब आया था बेटा? 1773 में। आपको याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है 1773 में कौन सा एक्ट आया था बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और ये किस गवर्नर जनरल के समय में आया था इंडिया में बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। किसके समय में आया था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। तो बेटा सिंपल सी बातें पहले सीखना है, जो आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उस समय गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। आपको बेटा बस अब थोड़ी सी चीज़ें याद रखना है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसका निर्माण कितने देशों से लेकर कराया गया। तो 9 देशों से लेकर हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। कितने देशों से लेकर हुआ बेटा? 9 देशों से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। वो कौन कौन से 9 देश हैं बेटा? तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? आबिद बेटा, क्या याद रखना है? आबिद आज, रुक जा अमेरिका, मुझे भारत का संविधान बनाया है, ठीक है बेटा। तो ये ट्रिक आपको याद रखेंगे तो अमेरिका, तो आप याद कर लेंगे तो भारतीय संविधान में निर्माण करने वाले जो कंट्री थे, जो हमारे देश के संविधान में कानून लिए गए हैं, वो कौन कौन से लिए गए हैं और किस देश से लिए गए हैं, उसका प्रावधान इस ट्रिक से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आबिद को अगर हम तीन भागों में है, देखो आबिद तीन शब्द से जो तीन वर्ड जुड़े हुए हैं आपको देखेंगे, तो आपको यहाँ पर आ से आपको आ जाएगा आयरलैंड, ठीक है। तो बेटा आयरलैंड की कैपिटल आपको याद रखनी होगी, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन होती है। क्या होती है बेटा? डबलिन होती है। तो ठीक है, किस महाद्वीप के अंतर्गत में आता है? तो बेटा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। अब आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड से लिया क्या क्या गया है? तो बेटा तीन चीज़ें ली गई हैं हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है बेटा। फिर क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ में और क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान में, ठीक है। तो अगर बेटा मालूम होगा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जब मूलभूत संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद की बात करते हैं बेटा, अनुच्छेद को बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद थे। भाग अगर बात करते हैं तो 22 थे। और अगर पूछा जाए अनुसूचियां बोलते हैं, ठीक है, अनुसूचियां बोले तो बेटा कितनी थी बेटा? अनुसूचियां की बात करें हैं तो पहले 8 थी, बाद में कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अनुच्छेद को इंग्लिश में बेटा आर्टिकल बोलते हैं, भाग को पार्ट बोलते हैं, अनुसूचियों को बेटा शेड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स बोलते हैं। तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों को स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रमुख रूप से नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? राज्यों के लिए होते हैं। किसके लिए बनाए गए हैं बेटा? राज्यों के लिए बनाए गए। और इनका उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग के लिए अभी मैंने बताया, पार्ट की बात कही है, तो भाग की अगर बात करें, पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। अगर पूछा जाए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा बेटा, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा बेटा? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, है ना बेटा। तो अनुच्छेद किसका अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का जो है प्रावधान जो है कि किसका मिलता है, जो है बेटा आपको याद रखना है स्टेट पॉलिसीज को याद रखना है।
ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, अब बेटा बात करते हैं आयरलैंड से, जो आयरलैंड कंट्री है इससे और क्या लिया गया है। तो आपको याद रखना है बेटा, राष्ट्रपति के तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अब दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलता है, कौन सा बेटा, निर्वाचन मंडल का प्रावधान। तो निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है बेटा, आर्टिकल आपको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा अनुच्छेद 54, आपको याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, 54 याद रखना है, किस अनुच्छेद के तहत बेटा, आर्टिकल 54 के तहत जो है, ठीक है, आपको याद रखना है आर्टिकल। इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं बेटा, तो लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, और बेटा विधानसभा, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, किसके निर्वाचन प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में, है ना। फिर बेटा आपको याद रखना है, फिर भी याद रखना है, और क्या चीज होती है, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति होता है बेटा, राष्ट्रपति जो होता है, जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बेटा, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, और किस क्षेत्र में करता है बेटा, आपको वो भी चीजें याद रखना है, कौन कौन सी चार चीजें, तो बेटा आपको याद रखना है कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य हेतु जो है मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है, भारत का राष्ट्रपति इनको जो है नॉमिनेट करता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है बेटा, 80 के भाग 3 में मिलता है, आपको ये चीजें पता होगी बेटा। अब बात करेंगे ब्रिटेन की, बात करते हैं, तो ब्रिटेन की बात करते हैं बेटा, बहुत जरूरी है, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो संसदनात्मक, संसदनात्मक शासन प्रणाली, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, संसदनात्मक शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा किस कंट्री से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से, हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये और मेन ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, हाउस ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है और काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। हिंदी में बात करें तो संसद जिसको बोलते हैं, संसद के तीन अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं बेटा, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा होती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया बेटा। और ब्रिटेन से दूसरी चीज क्या ली गई है बेटा, एकल नागरिकता का प्रावधान, क्या दिया गया बेटा, एकल नागरिकता का प्रावधान, कौन सा प्रावधान बेटा, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो बेटा ब्रिटेन से लिया गया है। और बेटा आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नियुक्त का प्रावधान कहाँ से मिलता है बेटा, किस देश से मिलता है बेटा, तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से मिलता है बेटा, तो भाग आपको याद रखना है, भाग कौन सा याद रखेंगे एकल नागरिकता के लिए, तो भाग बेटा आपको याद रखना है 5 से 11 तक याद रखना है, कितना याद रखना है, और प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 75 याद रखना है, अनुच्छेद क्या होगा 75, 75 में क्या कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना बेटा। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है बेटा, संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान, संशोधन का प्रावधान जो लिया गया है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अगर भाग आपसे पूछ रहा है बेटा तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, आपको ये चीजें पता हो गई है बेटा। आप बात करेंगे बेटा ऑस्ट्रेलिया की, बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है बेटा समवर्ती सूची ली गई है, क्या ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, और बेटा क्या लिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, समवर्ती सूची के साथ साथ आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती, संविधान की प्रस्तावना बेटा, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में कुल कितने कितने विषय हैं बेटा, तो प्रेजेंट मूलभूत संविधान के अनुसार जो थे बेटा विषय थे
43 थे, वर्तमान समय में कौन कितने होंगे बेटा 52। समवर्ती सूची के अंतर्गत में जो मैं यहाँ पर स्टडी अर्थात शिक्षा का प्रावधान जो है किसके अंतर्गत रखा गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत में रखा गया। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किसके अंतर्गत में रखा गया है, तो अगर शिक्षा का प्रावधान किस सूची के अंतर्गत में रखा गया तो समवर्ती सूची। मूलभूत संविधान में 43 और वर्तमान समय में कितनी है विषय है बेटा 52 विषय है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है, किससे ली गई है बेटा ऑस्ट्रेलिया से। आपको याद रखना है ये भी बात, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल याद ही रखना है आपको। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे बेटा 42 में। बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाता है 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, ठीक है बेटा, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, 3 शब्द ये जोड़े गए। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट द्वारा। और 42वां अमेंडमेंट कब आया था बेटा 1976 में आया था, कब आया था बेटा 1976 में आया था। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े थे, जोड़े गए बेटा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा यहाँ पर, और बेटा ठीक है, और राष्ट्र की अखंडता मतलब है यदि कोई देश में जो है कोई देश को बांटने का काम करता है तो वो संविधान के विरुद्ध होगा, ठीक है। तो राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो 3 शब्द 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, कब जोड़े गए 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए। तो संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बेटा, क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तभी घर में प्रवेश कर पाते हैं जब उसकी प्रस्तावना, जब हम शुरुआत से उसके अंदर प्रवेश होते हैं, तो प्रवेश करने के लिए हमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रावधान लिया गया है बेटा ऑस्ट्रेलिया से लिया, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या बेटा कैनबरा है। अब बात करते हैं हम फिर बेटा जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी की राजधानी आपको मालूम होगा जर्मनी की बर्लिन कहते हैं, ठीक है। और विश्व की सबसे ताकतवर महिला एंजेला मार्केल इस समय यहाँ की जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री जो चांसलर के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है, ठीक है, विश्व की सबसे पावरफुल महिला है एंजेला मार्केल, ठीक है। तो बेटा बात करेंगे जर्मनी की, बात करते हैं तो जर्मनी से क्या लिए गए हैं, तो बेटा आपको याद रखना है संविधान बेटा आपातकालीन उपबंध, ये कल मैंने बताया था आप लोगों को आपातकालीन उपबंध बताए थे, तो मैंने अनुच्छेद कौन कौन से बताया था, अनुच्छेद 352 बताया था, अनुच्छेद 356 बताया था और अनुच्छेद 360 बताया था बेटा। अनुच्छेद 352 देश के लिए होता है और 356 राज्य के लिए होता है, किसके लिए होता है राज्य के लिए होता है, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात, अब तक इसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। पूछा जाता है बेटा अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है, तो कौन सा अनुच्छेद है बेटा अनुच्छेद 360, और कौन सा है बेटा वित्तीय आपात का उपबंध, ठीक है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। लेकिन बेटा वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात का उपबंध जो दिया गया है वो बेटा आपको याद रखना है अमेरिका से, इसमें जो 3 ऊपर के दिए हुए हैं वो दो जो ऊपर के दिए हैं वो बेटा जर्मनी से लिए गए। अब बेटा आपको याद रखना है रूस की बात करते हैं, रूस की कैपिटल जो है मॉस्को है, ठीक है, तो मास्को की बात करेंगे, अगर रूस की रूस में बात करें तो रूस से क्या लिए गए, तो बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बेटा 11 है, ठीक है। और इनको कब जोड़ा गया था बेटा तो 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया 42वां अमेंडमेंट 1976 में आया 42वां अमेंडमेंट, ठीक है, कब जोड़ा गया बेटा 42वें अमेंडमेंट द्वारा जो जोड़ा गया है इनको 1976 में जोड़ा गया था, और किसकी संतुतियों के सरदार स्वर्ण सिंह की संतुतियों के आधार पर इनको जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीजें पता हो गई ना 42वें अमेंडमेंट द्वारा क्या जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। कनाडा की बात करते हैं बेटा तो संघात्मक शासन प्रणाली, क्या बोलते हैं बेटा संघात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान जो मिलता है, अर्थात केंद्र व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान जो मिलता है वो किससे मिलता है बेटा कनाडा से मिलता है। फिर बात करते हैं
जापान से बात कर लेते हैं बेटा, तो जापान से भी बेटा विधि द्वारा स्थापित निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान जो मिलता है वो किससे मिलता है बेटा, वो आपको याद रखना है जापान से मिलता है, आपको याद हो गया बेटा, ठीक है। अगर बेटा आपसे पूछा जाए तो कानूनी निर्माण का प्रावधान किससे मिलता है, तो बेटा आपको यहाँ पर याद रखना है ब्रिटेन से आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेस दूसरा होता है, क्योंकि उसमें जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है तब कोई एक नया कानून बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करेंगे बेटा अमेरिका की बात करते हैं, है ना बेटा, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं बेटा, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो बेटा ये याद रखना है, तो अब अमेरिका की बात करते हैं बेटा, तो अमेरिका की में क्या क्या दिए गए हैं, तो अमेरिका से बेटा जो लिया गया है आपको सबसे पहले याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, के निर्वाचन के गठन का प्रावधान मिलता है बेटा, ठीक है, अर्थात ठीक है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के गठन का प्रावधान, ठीक है, और इनको महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया किसकी बेटा, राष्ट्रपति के उसको पद से हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान मिलता है, कहाँ से मिलता है, अमेरिका से मिलता है। और बेटा जो प्रमुख रूप से मिलता है आप लोगों को जो याद रखना है अमेरिका से क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है, कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेटा, मौलिक अधिकार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और किस अनुच्छेद में मिलता है बेटा, अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद आपको 12 से आपको 35 तक याद रखने हैं, ठीक है, और इनका प्रावधान, ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा ये 6 है, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों से की संख्या कितनी है, 6 है बेटा। पहला है बेटा समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, आगे बेटा बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको बात याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको याद रखना है, फिर बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको चौथा जो याद करना है 1, 2, 3, 4 पांचवा याद रखना है बेटा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपको याद रखना है। और उसके बाद है जो छठा याद रखना है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखने हैं बेटा, ये अधिकार आपको याद रखने हैं, इनका अनुच्छेद याद रखना है बेटा, अगर अनुच्छेद है बेटा 14 से 18 तक का मिलता है, और इनका जो मिलता है 19 से 22 तक का मिलता है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक का मिलता है बेटा, यहाँ 25 से 28 तक का मिलता है, और 29 से 30 तक मिलता है बेटा, और यहाँ पर आर्टिकल 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है, किसे कहा है संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को किसको जो है संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, ये बेटा बेसिक जानकारियां हैं जो आपको अत्यंत आवश्यक है, जो आपको मालूम होना अत्यंत आवश्यक है,
ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो अभी अभी आगे की जो है उस क्लास के दौरान मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।